दोस्तों क्या भविष्य पहले से ही लिखा होता है? दोस्तों ये प्रश्न तो हमेशा से ही बहस का विषय रहा है। कुछ लोग मानते हैं भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा आने वाला कल होता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शुभ मंगल में। आज हम पौराणिक कथाओं में से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भविष्य पहले से तय होता है या फिर वह कर्म है जो हमारे भविष्य की धारा को तय करते हैं। दोस्तों आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने कहा था, आठवां पुत्र मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ कंस देवकी के पुत्र को जन्म लेते ही मारकर चला जाता था। लेकिन जब देवकी के आठवें पुत्र की बारी आई, तब विधि के विधान अनुसार उसने जन्म लिया और उसने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही निश्चित था। कंस की मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी, उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। यही नहीं बल्कि इस संसार में जन्म लेने वाले हर मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। मनुष्य कब जन्म लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, वह किस परेशानी में फंसेगा, यह सब विधि का विधान है जिसे चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। वैसे कंस के अलावा हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में कई दूसरे लोगों का भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण मिलता है। जैसे ये पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण को वनवास पर जाना होगा, अर्थात इसके पीछे का उद्देश्य भगवान राम के हाथों रावण का वध होना था। अगर कैकेयी मंत्रा के बहकावे में ना होती तो ना भरत को सिंहासन मिलता और ना ही भगवान राम पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते। और आप ही सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो भगवान राम के हाथों लंकापति रावण का वध कैसे हुआ होता। वैसे ही संसार में भगवान पहले ही सबका भविष्य लिख चुके हैं। हम सिर्फ इस नाटक के छोटे से पात्र हैं, जिनका किसी न किसी उद्देश्य से संसार में जन्म हुआ है। वैसे ये भी माना जाता है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में हमेशा बुरा किया है तो आपकी किस्मत बुरी ही होगी, अर्थात आपका आने वाला भविष्य आपके कर्मों की तरह ही बुरा होगा। क्योंकि जिसने जिंदगी भर बबूल के पेड़ रूपी बुरे कर्म किए हैं, उसे आम रूपी अच्छे फल कैसे मिल सकते हैं? इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें जन्म और मृत्यु के बाहर निकाल सकते हैं। वरना बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं, तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है, जो जिस तरह का कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था, तब अर्जुन ने कहा था कि माधव मेरे हाथ कांप रहे थे, तब आपने मुझे समझाया था कि मैं एक सत आत्मा को उसके बाहर से मुक्त कर रहा हूँ। लेकिन यह क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर अपने ही चेष्ट की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को परार्थ देने वाला मैं कौन होता हूँ, मनुष्य को उसका परार्थ उसके कर्म देते हैं। बीच में स्वास्थ्य मीठे फल लगेंगे, ये उसे सूख जाना है, इसका चयन तो वह स्वयं करता है। अपनी धारा पर चलकर श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना चुना, ऐसे में मैं क्या करता। तुमने अन्याय के विरोध में स्वर उठाया और अंगराज सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार विकल्प चुने, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उनकी मित्रता का चयन किया, ऐसे में बताओ मैं क्या करता। भागवत गीता के अध्याय से हमें यह समझ आता है कि भगवान हमें बहुत अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जिसके बाद हम अपनी बुरी किस्मत पर रोने लगते हैं। मैं अंत में बस यही कहूंगी कि भविष्य जरूर पहले से ही लिखा होता है, लेकिन भविष्य का लिखा जाना हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल मिलना निश्चित ही है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।